यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं। इन्हीं से लड़ाई लड़ी जाएगी, मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलेंगे। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। या तो बिल वापसी ले दे, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, जो बच्चे हैं नौजवान, ये बेहद खुशी का भी वो है कि जो नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसने छोड़ दिया था बीच में, खेत में जाना छोड़ दिया था, खेत की डांडी का नहीं पता था डोल कहां को है, वो जाता नहीं था, गोबर से बदबू आती थी, मिट्टी इसके कपड़े खराब करती थी। अब यही नौजवान इस मिट्टी की रक्षा करेगा, इसको जोड़ेंगे उस मिट्टी से, जोड़ेंगे इस आंदोलन से। तीन महीने से जो लोग हमारे अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अमला राम जी, युद्धवीर सिंह जी, हमारे मीर साहब, योगेंद्र यादव जी, ये बहुत क्रांतिकारी लोग यहां से हैं। ये भूमि, ये जो भूमि है, कुंभरा माध्य की भूमि, राजा राम मीर जी जो इस उम्र में भी, हमने उनको कहा कि भाई रेस्ट कर लो, नहीं, 1500 हजार हजार किलोमीटर गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारे योद्धा लोग हैं, कहां कहां से चल के आंदोलन में। और सीकर का तो नाम सुना था कि जब चौधरी चरण सिंह जी जब यहां पे आए, एक बड़ी मीटिंग उनकी हुई, उसकी चर्चाएं बहुत होती है, टिकैत साहब भी यहां पे आए, ये तो क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सीकर से राजस्थान की आवाज उठती है क्रांतिकारी की। अब जरूरत है हमेशा हमारे से, जितने भी दिल्ली में 35 साल से आंदोलन करे, जब भी दिल्ली को रास्ता बंद करने की कोशिश करी तो दो मोर्चों पे हम फैल रहे, हमेशा दो मोर्चों पे। एक मोर्चा था जो जयपुर से दिल्ली जाता था, हमारे से कभी बंद नहीं हुआ। दूसरा था जो पलवल वाला रास्ता था, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अब की बार संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान हुआ, पूरे लोग हरियाणा का जिस हिसाब से साथ मिला, और शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा लगा और जो बंदी हुई, उससे पूरी ताकत हमको मिली है, नहीं हुआ कभी। लेकिन जिस हिसाब से लोग यहां पाते हैं, उसी हिसाब से लोगों को दिल्ली की तरफ भी जाना होगा। वे 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर गए, बहुत लोगों ने 26 तारीख में अब अपने जिलों में प्रदर्शन करे, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका पता भी नहीं चला। 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक के अंदर चले, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, और युवाओं ने कमाल संभाल ली, अपने ट्रैक्टर को रंगरोगन करा, उसमें ग्रीस करा, आगे बम्पर लगवाने का काम करा, क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना। जब टिब्बों को तोड़कर रिक्सार कर उसमें बीज बोते हैं, बंजर जमीन को पाड़ता है वो, तो कहा जी दिल्ली में ट्रैक्टर हुआ क्या मतलब, मगर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चलेगा किसान का ट्रैक्टर। और लाल किले का इनने झूठा नाम लिया, हमने लाल किले पे नहीं कहा, लाल किला तो भुत्तू का घर है,
उस पर नहीं कहा हमने। ये कान खोल कर सुन ला दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहकर जाएंगे पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहकर जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें, वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे। ये किसान बाजरी है, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले, आज बेहद खुशी है मुझे यहां पे राम रतन किसान साथ यहां पर आया, उसका भाई मिला था मुझे, वो अगर हो तो खड़ा हो जाए। है यही है राम रतन किसान? नहीं, ये नहीं है। ये उस आंदोलन में जब विधानसभा पे यहां की आपके बाजरा फूंका गया, मुझे 15 आदमी मिले, 15 राम रतन किसान, जब इसको वहां पे हमने उसके ताले लगाए ना विधानसभा के गेट के, ये छोड़कर चला गया था, महात्मा बन गया था। आज भी क्या 15-20 साल में बैठ जा को महात्मा बन, महात्मा नहीं बनाऊंगा मैं तुझे। देर तक लड़ाई लड़ेंगे और है बहुत, मतलब डर गया, चिट्ठी भेजी इसने 15 दिन में, चिट्ठी मिली कि मैं डर गया, मैं महात्मा बन गया, मैं आंदोलन कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये सारे के सारे ये किसान हैं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब राजस्थान खड़ा हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के तो जो घी है, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ से जो अनाज पैदा होता है उसको तो मकान में रख दो, उसमें से खुशबू आती है। ये यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ का जो दाना पानी है, ये मजबूत लोग हैं यहाँ के। यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं। इन्हीं से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, दिल्ली काल खोल का सुन ले, ये ट्रैक्टर चलेंगे। अब की बात लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा, सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम करा। आपको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा, कान खोल का सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां के, वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसके जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले रहे, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है, तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा, अपने हर पाथे के साथ बढ़ा इस आंदोलन को, हाड़ी पाड़ी चलाएगा इस आंदोलन को। इस आंदोलन का नेता गांव का किसान होगा, जो ये आवाज देते हैं ना, अब की बार कहा कि इसको बांट दो, पंजाब में बांटा, हरियाणा में बांटा, राजस्थान में बांटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा, सरदारों में बांटा, भाषा में बांटा, अब का एक और चला एक जाति के नाम से बांट दे, बांटने दो। हमने कह दिया दूसरी बिरादरी को, आप सामने आना, जवाब आपको देना है, उस बिरादरी के सामने आपको आना है, दूसरी बिरादरी आकर जवाब देगी। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान, और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तकड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, नारा लगाना आपका काम होगा पक्का। प्रधानमंत्री ने बहुत
गैस सिलेंडर पे कहा पब्लिक को बकाई 350 से 1000 उस पर जा लिया 800 रुपए पे, कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अरे एक बार प्रधानमंत्री जी जरा इनको भी तो कह दो, एमपी एमएलए हैं बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ देंगे, अपनी पेंशन वे भी छोड़ दे एक बार कह तो दो। ये जो कर्मचारी हैं ये लगा रहे के ये क्रांति से छूटेगा भाई, ये जो नई पेंशन है या तो वे भी छोड़ देंगे और नहीं तो भाई आपकी भी लागू होगी, आप कह रहे साथ देते रहो, ये पेंशन या तो आपकी भी लागू होगी नहीं तो उनकी भी छूटेगी, हिसाब होगा बराबर, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अनाजों को बंद करा जा रहा है कैद में, तिजोरी में अनाज बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं होगी, रोटी के ऊपर ताला नहीं लगेगा, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। कितनी भूख लगेगी उसके आधार पे कीमतें बढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी, वो ऐसा नहीं कि अभी जोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं, वो भी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम कोई घोषणा नहीं करते, हम घोषणा वो करते हैं जो हमको पब्लिक कहती है, वे फिर कह रहे जी आपने घोषणा कर दी ना, घोषणा करेगा संयुक्त मोर्चा, घोषणा जो हमारे 40 लोग हैं घोषणा वे करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पक्का होगा ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। अपने ट्रैक्टर में तेल घेर कर रखना, अपनी ट्रॉली में गरीस वरीस करवा कर रखना, तैयार भर कर रखना उसकी टंकी, कभी भी दिल्ली की तरफ कोल हो सकती है। अपने खेत की मिट्टी, अपने खेत में जाओ, अपने फार्म पे जाओ, नौजवान अपने शरीर के उस मिट्टी का लेप जरूर कर लो, आपका जिस दिन लेप हो जाएगा आप जमीन नहीं बेचने के, उसकी रक्षा करोगे, अपनी बॉडी का कॉन्टेक्ट अपने खेत की मिट्टी से जरूर कर लेना, आपको उससे लगाव होगा, अगर आपने नहीं करा तो लगाव नहीं होगा। जब आप आंदोलन में जाओ तो अपने गांव की मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ ले जाना, जब आप मोर्चे पर होगे हो सकता है कि आपका खेत आपके याद आ जाए, आप अपनी मिट्टी को देखना तो आपका पूरा फार्म पूरा खेत क्यारी उसी में ही दिखाई देगी, जरा प्यार से उठाकर देख लेना, आपको गांव याद नहीं आएगा। बहुत लोग नहीं गए गांव में, हम भी नहीं गए, हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाते, जब तक आंदोलन चलेगा मुजफ्फरनगर की सीमा में जहां पर जन्म स्थल है वहां नहीं जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं गए वे आंदोलन में रहते हैं, वहीं हमारी माताएं बहनें जिस हिसाब से आंदोलन में आ रही है, और खासकर का जो हरियाणा है बेहद ज्यादा लड़ाकू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, झारखंड के किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर वहां से जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टरों का काफिला आपके साथ में यहां से जाएगा, आप झारखंड आ जाओ और यहां से आपके साथ में पूरा काफिला चलेगा, ट्रैक्टर के साथ में बंगाल लोग जाएंगे। तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा, आप दिल्ली की तरफ निगाह रखें, अपने जो मोर्चे के लोग हैं उन पर आप विश्वास करें, पूर्ण रूप से ये आंदोलन को नौजवान चलाएगा, नौजवान क्रांति आएगी देश में, यही चलाएगा, यही जमीन और खेत को बचाएगा। तो आपने ये सारी चीजें सुनी और बहुत लेट हम हुए क्योंकि 150 किलोमीटर की दूरी पर हम थे, वो प्रोग्राम करके आए, अब यहां पर प्रोग्राम करा, लेकिन ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक लोग और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीकर। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।